जहांगीराबाद में साईनाथ सेवा समिति ने तत्वाधान में बाबा साईनाथ की 12वीं शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली। शोभा यात्रा नगर के लाल कुआ कांच वाले मंदिर से शुरू होकर अनुपम शहर बाईपास और आहारा बाईपास होते हुए सरकारी अस्पताल स्थित बाबा साईनाथ मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। जेमी पाल की शोभा यात्रा निकलाई जा रही है, 12वीं बाबा की शोभा यात्रा है मेरठ में। दिन निकलते ही दो गोदामों में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि गनीमत रही कि आग लगने से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दरअसल पूरा मामला बागपत रोड का है, जहां पर आज सुबह दो गोदामों में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस अधिकारियों की माने तो एक गोदाम में मोबाइल टावर लगने का सामान रखा हुआ था और दूसरे में कुछ पिलर रखे हुए थे। घटना की सूचना पाते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गई और आग बुझाने का प्रयास में जुट गई। काफ़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सर, आग पूरा जो आग लगने का कारण क्या है? इसका पहला काम तो है जान माल की सुरक्षा। इसके लिए CFO मेरठ अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ मुस्तैद हैं और दो गोदाम में खास तौर से आग लगी हुई है, जिसमें एक आइडिया के टावर लगाने वाले मटेरियल रखे हुए हैं और एक में एवी मिलर कंपनी के बियर वगैरह रखे हुए हैं। तो काफ़ी हद तक इसको रोका जा सका है और आग को बढ़ने से रोका गया है। दो गोदाम में यही लगा हुआ है। सर, आग लगने का कारण क्या है? और उसकी जाँच बाद में होगी। सबसे पहला काम है आग की सुरक्षा। बुलंदशहर के डिबई में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। किसान की मौत से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। ये जो घटना हुई कब हुई है? 11 बजे लगभग। क्या हुआ था? कैसे तार टूटा हुआ था? कैसे टूटा? दिखा नहीं है किसी को, सूचना दी किसी को? अभी यहाँ को बिजली विभाग कर्मचारी आया अभी तक? कोई हमारे गांव का ही संजू आए यहाँ पे। तुमसे क्या कहा उन्होंने? सिद्धांत लिया है। पीलीभीत के पूर्णापुर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने साइकिल सवार बुजुर्ग को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे जमीनी रंजिश मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जो घटना हुई क्या हुआ? ये थानापुर क्षेत्र में आज कुछ देर पहले घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति को फायर आर्म इंजरी लगी हुई है। मौके पर प्रभारी और पुलिस पर पहुंचा था और जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल लाया गया, उन्हें टिकट क्लियर कर दिया गया। परिवारी जन आ गए हैं, इसमें अपनी तहरीर दे रहे हैं। अब ये FIR दर्ज की जाएगी। विवेचना हमारी चल रही है, इसमें कुछ बिंदु सामने आए हैं जो प्रारंभिक छानबीन है, उस पर जो भी अग्रिम विवेचना है। सर, के परिवार वाले किसी के ऊपर आरोप लगाया गया ऐसा कुछ है? अभी प्रथम दृष्टया कोई ऐसी बात परिजन नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ दिन हमें मिले हैं मौके से और लोगों से बातचीत करने के बाद उस पर तफ्तीश होनी चाहिए। मेरठ में सड़क हादसे में बाइक सवार चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं चार दोस्तों के एक साथ ही मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सर, परतापुर क्षेत्र अंतर्गत गोवर मोड़ पे एक एक्सीडेंट हुआ, क्या पूरा मामला, कितने हादसे में मारे गए? हाँ, शाम को लगभग 4 बजे गगोल रोड पर एक कैंटर से मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। बॉडी को उठवा के मोर्चरी भिजवाया जा चुका है। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें पता चला कि कहाँ के लड़के थे चारों, क्या क्या नाम है? चारों परतापुर थाना क्षेत्र में ही 2 लड़के इटायरा गांव के थे और 2 नगला पातू के थे। इनके नाम क्रमशः हरेंद्र, अर्जुन, सोनू और अनुज हैं। इनके घर वालों को सूचना हो गई है, उनसे तहरीर लेकर के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, एक्सीडेंट का कुछ मोटो पता चलेगा कि एक्सीडेंट हुआ कैसे है? नहीं, तेज गति से बता रहे हैं जो चक्षुदर्शी, उन्होंने बताया कि एक दिशा विपरीत दिशा से दोनों आ रहे थे। अचानक सामने धर्मकांटा पे मुड़ने के लिए कैंटर मुड़ी और उसमें ये आकर के सीधे इनकी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई।